रहा है ना इसमें। चलो हम लोग हम आज पेपर डिस्कस करेंगे है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड भी डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी देखो फर्स्ट हमने ऑलरेडी क्लास में बताया है, ठीक है। और यदि आपको देखना भी है तो मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि इसमें कि हमने कैसे सॉल्व करें, तो मैंने ही बताया था कि डी आर इक्वल टू क्या बताया था, स्मॉल डी आर अपॉन क्या बताया था, के इंटू ए बताया था, यही बताया था ना। अब आपको यदि रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हमने ये बताया था कि इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो कहाँ तक, जिसे हमने कंसीडर किया था कि कंडक्टिंग शेल है जिसका इनर रेडियस दिया हुआ है ए और आउटर रेडियस क्या दिया हुआ है बी दिया हुआ है, इस पर कुछ टेम्परेचर टी वन है और ये टी टू है। तो यहाँ जो हम डी ए लिखेंगे, यहाँ से मैंने ये बताया था कि आर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक डी आर थिकनेस का सेल कंसीडर कर लेंगे, समझ में आया क्या। और फिर यहाँ जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू यदि तुम लिखोगे लिमिट क्या होगा ए टू बी, और आर इक्वल टू तुमको मालूम है ए टू बी डी आर अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई के आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इंटरनल एनर्जी जो होता है स्टेट फंक्शन होता है, तो उसमें जो उसका आंसर भी होगा वो क्या होगा बी होगा, ठीक है। थर्ड जो है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो पहले ही हम लिख लेंगे कि थर्ड में ही पहले लिख लो तुम लोग कि यदि एंट्रोफी वर्सेस क्या होगा या टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये नोट में लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एंट्रोफी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है तो उसके एरिया से क्या मिलता है, हीट मिलेगा है ना, आइदर क्या होगा हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन अवे फ्रॉम द सिस्टम, यही होगा ना। तो पहले ये आप इसको लिख लो, उसके बाद ये दिया हुआ है कि रिवर्सिबल इंजन के लिए देखो सबसे पहले एक इक्वेशन तुम लोग पढ़े होंगे कि डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन क्या होता है टी होता है, ये केवल किसके लिए वैलिड होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। यही से आप देखोगे कि यदि आप इसको लिखो तो क्या लिखोगे डेल्टा एस इंटू टी क्या हो जाएगा डी क्यू आपको मिलेगा। दूसरा मैंने बताया था देखो कि इफिशियंसी यदि कैलकुलेट करना है तो क्या होता है 1 माइनस मैंने लिखा था मैग्नीट्यूड याद आया क्यू एल लिखा था अपॉन क्या लिखा था क्यू एच, यही लिखा था ना, यही अपने को क्या करना है भूल लेना है। जो ग्राफ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एंट्रोपी टेम्परेचर वर्सेस क्या है एंट्रोपी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब क्यू एल का मतलब क्या हुआ हीट रिलीज्ड हीट इंजन में क्या होता है या कार्नोट साइकिल हमने पढ़ा था तो उसमें क्या होगा कि हॉट रिजर्वायर से सिस्टम क्या होगा हीट लेगा फिर उस कुछ वर्क करेगा और कुछ क्या होगा कोल्ड रिजर्वायर को क्या करेगा हीट रिलीज कर देगा। तो हमने देखा था कि इफिशियंसी जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्या होता है क्यू एच, यदि यही अपने को मालूम चल जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इफिशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो दिया हुआ है उसमें ग्राफ दिया हुआ है तुम लोग उसको लिख लो नोटबुक में भी, तो ये दिया हुआ है इधर टेम्परेचर वर्सेस क्या दिया हुआ है एंट्रोपी ग्राफ दिया हुआ है और ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एक है एस नट ए टू एस नट और ये साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। इसका यहाँ टेम्परेचर क्या है टी नट और यहाँ क्या दिया हुआ है टू टी नट दिया हुआ है, ठीक है। पहले तुमको ये देख करके मालूम होना चाहिए कि किस किधर, यहाँ यदि हम पाथ कंसीडर कर लें शायद नाम कुछ नहीं दिया, चलो हम मान लेते हैं ए बी ए बी सी ए, ठीक है। तो तुमको ये देखना है कि अपने को क्या चाहिए क्यू एल क्यू एच, क्यू एल का मतलब क्या हुआ कि हीट रिलीज, हीट रिलीज का मतलब क्या हुआ डेल्टा क्यू निगेटिव किधर आ रहा है, यही होगा ना। और क्यू एच का मतलब क्या हुआ पॉजिटिव, तो हीट पॉजिटिव किधर हो रहा है, ठीक है। अब तुम देखो पहले हम चलते हैं चलो बी टू सी देख लेते हैं, बी टू सी से क्या, बी टू सी बताओ क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस है
तो यहाँ से हम देख सकते हैं, देखो वहाँ से इस इक्वेशन से डेल्टा एस इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन क्या होगा टी। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फॉर आइसोथर्मल हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्या होगा टी। सही है क्या, समझ में आया ना। यहाँ हम लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा टी इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब, एस चेंज का मतलब हम हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल। समझ में आया क्या। तो देखो यहाँ दिया हुआ है इस बीसी प्रोसेस बीसी के लिए टेम्परेचर क्या है टी नेट है, और डेल्टा एस क्या होगा माइनस एस नेट होगा क्या। अरे सही है क्या, समझ में आया क्या। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टी एस नेट, यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हीट क्या है बी टू सी, हीट जो है वो क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है। समझ में आया क्या, इसको हम क्या मानेंगे क्यू एल। अरे समझ में आया, तो हम इसको क्या मान लेंगे क्यू एल इक्वल टू माइनस टी नेट एस नेट। ठीक है, अब देखो सी टू ए, सी टू ए बता सकते हो सी टू ए क्या होने वाला है, क्यू जीरो होगा क्या। अरे दिख रहा है ना सी टू ए क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या हो जाएगा आई मीन डेल्टा क्यू या क्यू कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो। तो ऑब्वियसली ए टू बी जो होगा वो हीट सिस्टम को दिया जा रहा होगा। तो ए टू बी हीट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बता सकते हो, सिंपल एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अरे समझ में आया क्या, अरे अभी हमने बताया कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया से क्या मिलेगा नेट हीट मिलेगा। तो एरिया यहाँ ऐसे भी तुम सोच सकते हो कि इधर कोई एरिया फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसलिए हीट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना, ऐसे भी यहाँ देखो यदि तुमको नहीं समझ में आया तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से तुम बता सकते हो। तो यदि मुझे क्या करना है, अदरवाइज आप क्या करो इक्वेशन लिखो, लेकिन वो लेंदी होगा तो बेटर क्या है कि हम नहीं तो तुम टी और एस में इक्वेशन लिख सकते हो, अरे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं क्यू डायरेक्ट लिखे क्यू एच, क्यू एच विल बी इक्वल टू क्या होगा बताओ एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम कितना होगा 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड आई मीन कितना हो जाएगा एस नट इंटू सम ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे डायरेक्ट लिख दें 3 टी नट्स। सही है, अब देखो यहाँ से 3 टी नट एस नट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। अब यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देख लो यहाँ से कि क्यू एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एल। सही है क्या, अरे सही है। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं देखो 2/3 इक्वल टू क्यू एल अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एच, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू एच अब वैल्यू रख दो तो आंसर आ जाएगा 1/3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना तुम लोग, समझ में आया क्या। ठीक है, इसको नोटबुक में आप लिख लो। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लोगे तो लास्ट जो है कि सन का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें और रेडियस, ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा 1/3 होगा, और यदि परसेंटेज में कोई पूछे तो 33.33% होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चंस देखो, फिफ्थ क्वेश्चंस ये भी अच्छा है, तुम नोटबुक में इसको ऐड कर सकते हो तुम लोग। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि देखो यहाँ से हम, ये समझ में आ गया, फिफ्थ में क्या करना है यदि मैं इसको सन, देखो ये सन है, सन को हम जनरली क्या करते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसीडर, आई मीन इसका जो इमिसिविटी है उसको हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। समझ में आया ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर सन ई इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। समझ में आया ना, अब ये यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है रेडिएट कर रहा है सन, इसका यदि रेडियस मैं आर मान लूँ तो अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, इसको हमने सन मान लिया, इसका टेम्परेचर हमने टी मान लिया, तो पावर रेडिएटेड कितना होगा बाई सन, कितना होगा बताओ जल्दी, स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंगली सिग्मा ई इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, ए
ए क्या मतलब क्या होगा, ऑल क्या होगा, रेडिएटिंग सरफेस, समझ में आया ना। ये भी याद रखना, इवन तो हमने उस दिन क्लास में पढ़ाने वक्त हमने स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड हो। यदि ये प्लेट भी है उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दो तीन न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा अभी जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझ में आया ना। कोई जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी रेस्ट क्या हो जाएगा, अरे 4 होगा ना, समझ में आया। ए का वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई, हमने देखो बुक में उसमें क्वेश्चन में देख लेना तुम लोग क्या दिया है, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, टी रेस्ट, समझ में आया क्या। अब मैं आपसे पूछूं कि डी डिस्टेंस पे पावर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी से कोरिलेट करते हैं, समझ में आया ना। इंटेंसिटी हमने क्या पढ़ा था, मैंने ये बताया था कि जब भी क्या होगा, रेडिएशन होता है, तो अपने को यहाँ ये मानना है कि पावर जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या बताया था कि फॉर आइसोट्रॉपिक सोर्स और नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम पावर जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, समझ में आया ना। आई मीन जो पॉइंट सोर्स से पावर रेडिएट होता है थ्रू आउट, कहीं भी आप कितने भी इस रेडियस कंसीडर कर लो, सबके थ्रू जो पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, समझ में आया क्या। तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे सोचेंगे, ये समझ में आ गया तुमको। अब मैं बोलूँ कि इससे आर रेडियस पे, समझ में आया ना, आपको यहाँ बताना है कि यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा। सिंपल था, इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या था, पावर अपॉन एरिया। और याद रखना है कि फॉर आउटसाइड दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझ में आया क्या, ठीक है। तो इसको हम पॉइंट की तरह सोच सकते हैं। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, यदि ये स्मॉल रेडियस है, मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल रेडियस है, यहाँ मैं इंटेंसिटी लिखूँ तो क्या लिखूँ। यदि मैं मान लूँ कि यहाँ इंटेंसिटी जो है आई है, ठीक है, तो आई इंटू दिस एरिया विल बी इक्वल टू क्या होगा, दिस पावर होगा क्या, अरे समझ में आया, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ पावर। तो यहाँ आई इंटू कौन सा एरिया, मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एरिया क्या होगा, स्फेरिकल एरिया होगा, समझ में आया ना। क्योंकि आउटसाइड के लिए क्या होगा, सन जो होगा वो पॉइंट की तरह हम ट्रीट, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को याद रखना है कि फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड इट कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स विच इज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर। तो यहाँ आई इंटू हम क्या लिख सकते हैं, आई पहले ही मैं बता देता हूँ, उसके बाद आई इंटू दिस एरिया आई मीन 4 पाई आर स्क्वायर, यही पावर होगा ना, दैट शुड बी इक्वल, यहाँ पावर होगा तो दैट शुड बी पावर। मैं ये बता देता हूँ, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको बता सकते, लिख सकते हैं पावर रेडिएटेड, समझ में आया क्या। तो यहाँ इंटेंसिटी तुमको क्या मिल जाएगा, आई और एच से भी तुम लिख सकते हो, समझ में आया ना। तो आई इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो तुम, देखो पी रेडिएटेड बाई क्या होगा, सन डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही दिया हुआ है कि मान लो कि यहाँ क्या है, अर्थ है, और सन और अर्थ के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसको यूज करके हम पहले फाइंड आउट कर लें कि अर्थ जो है वो पावर रिसीव कितना कर रहा है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अर्थ का टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम पावर रिसीव बाय द अर्थ शुड बी इक्वल टू क्या होगा, पावर रेडिएटेड बाय द अर्थ, समझ में आया क्या, ठीक है। तो वहाँ से तुम ये करके तुम इसका टेम्परेचर भी, लेकिन अपने से वो नहीं पूछा गया है तो हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ मिल गया, आई मीन अर्थ के सर्फेस पे, नियर टू द अर्थ सर्फेस ऑफ द अर्थ मुझे क्या मिल गया, इंटेंसिटी मिल गया, समझ में आया ना। अब मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, एक दूसरा, फिर हो गया, कुछ नहीं है इसमें। इसी को हम सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, पावर रिसीव्ड बाय द क्या होगा, अर्थ, ठीक है। अब देखो यही क्या, अब मैं अर्थ के पास आया था, दिस इज अर्थ, यहाँ से इंटेंसिटी ऐसे आ रहा है, समझ में आया ना, आई इस यहाँ है, मुझे क्या करना है, पावर रिसीव लिखना है। तो अब क्या करेंगे, देखो तुम ध्यान से, यदि तुम इधर से लाइट फॉल कराओगे तो शैडो क्या बनेगा, समझ में आया क्या। देखो शैडो जो बनेगा, एक ये जो डायमीटर ये सर्कल होगा उसी का क्या होगा, एक शैडो बनेगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये केवल क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया आ जाएगा, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया आएगा। अभी जब मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा, आई मीन
12 में या ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो आई मीन इलेक्ट्रो स्टेट जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि प्रोजेक्टेड एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी केवल याद रखना है कि यदि जो पावर रिसीव होगा वो क्या होगा, हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर करेंगे। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, यदि अर्थ का रेडियस आर ई है तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना। से यहाँ अर्थ को आप क्या करो, यहाँ कंसीडर कर लो, इसे इधर से लाइट फॉल कराओ, तो जो वॉल पे शेडो बनेगा वो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा ना, उसी को प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। आप केवल अभी इतना याद रखो, आगे मैं प्रूव करूंगा इसको, ठीक है। या और जगह भी हम प्रूव करेंगे, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ सन यदि आई मीन लाइट जो है किसी सर्फेस पे फॉल हो रहा है तो वहाँ फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी को यूज करके, वहाँ मैं बताऊँगा, ये चीज़ तुमको प्रूव करूँगा। समझ में आया ना। तो यहाँ से देखो आप क्या लिखेंगे, पावर रिसीव इक्वल टू क्या होगा, मान लो कि इसका पावर रिसीव हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, बता सकते हो तुम लोग क्या लिखेंगे, बताओ, इंटू इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। सिंपल याद रखना है, समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे, आई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको लिख लेना प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया जो होगा, अब सबका वैल्यू रख दो, ठीक है। अब देखो क्या है, तुमको यहाँ ध्यान देना है अभी मैं पॉइंट, यदि कुछ सन का अर्थ का भी टेम्परेचर होगा, ये क्या कर रहा होगा, इधर से सन से एनर्जी रिसीव कर रहा है, पावर रिसीव भी कर रहा है, एट द सेम टाइम पावर रेडिएट भी कर रहा है। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा, जिस रेट से एनर्जी क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है, उसी रेट से क्या करे, रेडिएट करे। समझ में आया ना। तो तुम वहाँ से क्या कर सकते हो, स्टीफंस लॉ यूज करके, और तुम अर्थ का टेम्परेचर आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो, हम आसानी से लिख सकते हैं, देखो इंटेंसिटी हमने लिखा है पावर, यहाँ देखो पावर रेडिएटेड अपॉन क्या लिखा है, 4 पाई, हमने ये नहीं, यहाँ से हमने 4 पाई, हमने यहाँ कैपिटल आर नहीं यूज करना चाहिए, हमको स्मॉल आर यूज करना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। हमने इधर पावर रेडिएटेड ये लिखा, स्मॉल आर यूज कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर रेडिएटेड इक्वल टू हमने क्या लिखा है, आई इक्वल टू, सॉरी यहाँ भी हमने सेमी रेडियस, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं आई लिख दिया, आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू हमने क्या लिखा है यहाँ, प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया क्या। और यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, पी रेडिएटेड, स्टीफंस लॉ यूज करो सन के लिए। अभी समझ में आया क्या ये, यहाँ से आप सॉल्व करो। ये यदि आ गया तो कौन सा एक और प्रॉब्लम है, देखो दिया हुआ है कि यदि अर्थ का टेम्परेचर हम क्या करें, बढ़ा दें, और उसकी रेडियस को भी क्या करें, चेंज करें। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से तुम बता सकते हो कि पी रेडिएटेड हमने ये कैलकुलेट किया है, यही है ना। तो दोनों का क्या, आर स्क्वायर टी रेस टू क्या हो जाएगा, 4, और तो सेम कॉन्स्टेंट ही है ना, तो वहाँ से तुम कोरिलेट कर सकते हो। तो ये लिख लो तुम, समझ में आया है, इसको नोटबुक में लिख लेना तुम, इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ। अब 8 नंबर आ जाएगा, अरे इंटरफेस पे टेम्परेचर क्या करो, थर्मल रेजिस्टेंस से क्या करो, हर कंडक्टिंग वायर को क्या करना है, रॉड को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, और सीरीज के लिए आपको क्या करना है, R1+R2+R3 पैरेलल के लिए आपको मैंने बताया ही है, और फिर वहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 नंबर हो जाएगा, 9 नंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 10 नंबर भी हो जाएगा, आई थिंक 11 हो जाएगा, बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कुछ नहीं दिया है तो क्या करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मान लो, सेम, ठीक है। तो उसे आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आया क्या, अरे एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा कि U1+U2+ क्या हो जाएगा, U3 equal to N1 RT T1 plus क्या लिखोगे, F/2 N2 RT2 plus F/3 N3 T3। और बताया भी था टी मिक्स कैलकुलेट करने के लिए, यार है ना, यहाँ से देखो आ जाएगा F/2, यहाँ से टी मिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम कंसीडर कर लोगे यहाँ से। इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सा मैंने देखा था, वो वॉल वाला कहीं तो था, इसमें नहीं है क्या, नहीं, एक पिस्टन। देखो इसमें 2-3 तरह का प्रॉब्लम होता है जनरली,
हाँ कुछ शायद इस टेस्ट में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दिया है। इसमें या तो कंजर्वेशन ऑफ मोल यूज करते हैं, समझ में आया, और इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, हालांकि ये नहीं है, मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है, या इधर मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से, ये कंटेनर एक है और एक इधर भी कंटेनर है, शायद तुम लोग कहीं किए भी हो। इसको हमने क्या किया, एक पाइप के थ्रू हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और अभी यहाँ वाल्व रखा हुआ है, समझ में आया क्या। इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, देखो इसका P1 V1, इसमें नंबर ऑफ मोल, मोल जो है N1 है, इसमें क्या है P2 V2, नंबर ऑफ मोल क्या है, समझ में आया क्या। और हो सकता है टेम्परेचर भी कुछ दिया हुआ हो, दिया रहेगा, हो सकता है टेम्परेचर दिया और नहीं दिया, जस्ट समझना है। अब जब मैं बोलूं कि हम वाल्व क्या करें, हटा दे रहे हैं, तो आपसे इसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम प्रेशर। ऑफ कोर्स क्या होगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे या गैस जो होगा एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, समझ में आया ना। जैसे ही दोनों तरफ क्या होगा, प्रेशर सेम हो जाएगा, तो यहाँ एक तो एक इक्वेशन आप यहाँ से आसानी से क्या लिख सकते हो, कंजर्वेशन अब क्या होगा मोल, अरे लिख सकते हैं क्या, और कंटेनर जो है इंसुलेटिंग है, तो कंजर्वेशन अब हम क्या यूज कर सकते हैं, एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये बताऊंगा तुम लोगों को, इस टाइप का दो तीन क्वेश्चन सभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, एक तो आप कंजर्वेशन अब क्या करो, मोल यूज कर दो, आई मीन एन1 प्लस N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो यहाँ से आप बता सकते हो। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन अब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी, यदि कंटेनर क्या है इंसुलेटिंग है तो एनर्जी क्या है, हम कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो इंसुलेटिंग है, तुम बोलोगे जब हम वाल्व हटा दिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करोगे तो डेल्टा क्यू तो जीरो ही हो गया यार, और फ्री एक्सपांसन हो गया क्या, यहाँ कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना यार, अरे कोई काम नहीं हो रहा है ना यहाँ, तो डेल्टा क्यू जीरो हो गया, डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इंटरनल एनर्जी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए क्या, तो वहाँ से भी एक इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम इधर आ सकते हैं, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चंस तुम लोगों को अभी मैंने बताया था, 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर भी हमने डिस्कस किया है क्लास में, 16 नंबर भी हमने डिस्कस किया है, 17, 18 तो शायद इसमें क्या करना है, अगेन थर्मल रेजिस्टेंस से क्या करो तुम लोग, रिप्लेस कर दो। जब भी कंडक्टिंग वायर दिख रहा है आपको क्या करना है, रॉड दिख रहा है तो उसका रेजिस्टेंस से क्या करो, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दो, और फिर करंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद 45 डिग्री आंसर आएगा। 19 नंबर भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 20, 21, 22, 23 अभी हमने डिस्कस किया, आ जाएगा अभी, ठीक है। और 24 बता दूं कि चलेगा, अरे आ जाएगा कि एक्सप्लेन कर दूं, चलो एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा हिंट देता हूं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दो रेसिस्टेंस याद रखना है, कि थर्मल रेसिस्टेंस होता क्या है, L का मतलब समझ में आया ना, थिकनेस ऑफ द प्लेट, ठीक है, अपॉन क्या होगा के इंटू ए, के है क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हुआ कि हीट फ्लो के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, समझ में आया क्या। तो उसमें देखोगे तो पहले हम R1 लिख लेते हैं, क्वेश्चन देख लिए हो ना तुम लोग, पहले R1 लिखते हैं। तो R1 का आई मीन एक प्लेट का जो थिकनेस दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको मैं R1 मान रहा हूँ। तो देखो मैं ऐसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझो, समझ में आ जाएगा, है ना, और थोड़ा रटना कुछ नहीं। यही टेम्परेचर अपने को मैं टी इंटरफेस कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना, समझ में आया ना। इसको मैं R1 मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। R1 इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर लिख सकते हो, R1 इक्वल टू क्या होता है बताओ, थिकनेस, तो थिकनेस x अपॉन क्या होगा, अरे k इंटू ए, यही होगा क्या। R2 देखो, R2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, 4x दिया हुआ है, तो 4x अपॉन 2KA, थोड़ा सा हम उसके टर्म में लिख लें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, x अपॉन क्या हुआ KA, आई मीन क्या हो जाएगा, 2 इंटू R1 हो गया, सही है। अब डायरेक्ट मैं हीट करंट पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, H इक्वल टू क्या होगा तुम ही बता दो, अरे T1 माइनस T2 अपॉन R इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2,
और दैट शुड बी इक्वल टू, अभी मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, देखो तो जितना हीट फ्लो नेट हो रहा है उतना ही R1 में भी होगा और उतना ही क्या होगा R2 में होगा। तो यदि R1 के लिए लिखे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T अपॉन R1 लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं T माइनस T2 अपॉन क्या लिख सकते हैं, T माइनस T2 अपॉन क्या होगा, किसी एक को कंसीडर कर लो यार। तो यहाँ देखो अब मैं लिख रहा हूँ T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस R2, बताओ कितना हो जाएगा, अरे 3R1 हो जाएगा क्या, तो 3R1 इक्वल टू क्या होगा, T माइनस सॉरी T1 माइनस T अपॉन R1। आंसर आ गया क्या, समझ में आया क्या, टी भी आ जाएगा इसमें जो F का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इंटरफेस पे टेम्परेचर दिया हुआ है, और 25th नंबर भी क्वेश्चन से एडियाबेटिक प्रोसेस का है तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, समझ में आया क्या, ठीक है। केवल तुम लोग अच्छे से रिवीजन करो, थोड़ा नोट्स अच्छे से पढ़ लो, है ना, और थोड़ा जो भी लग रहा है कि ये डाउट है तो डरने का भी नहीं है, और जो भी छोटा भी डाउट लग रहा है तो तुम लोग पूछो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम देखते हैं